एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है। हापुड़ में एक पत्नी ने अपने पति से दवा के लिए महज 30 रुपए मांगे। इससे नाराज होकर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है, साथ ही मेरे 2 मासूम बच्चों को भी छीन लिया है। मैं बीमार हो रही थी, मेरा बच्चा बीमार हो रहा था, 30 रुपए मांगे थे, 30 रुपए मांगे, मेरे आदमी ने 3 तलाक दे दी मुझे 3 दफा। क्या कहा? तुझे कहने लगे तुझे 3 तलाक दे दी, मैंने तुझे 3 तलाक दे दी 3 दफा। जब तलाक देगी तो उस समय कौन कौन थे वहाँ पे? सास ससुर है मेरे, देवरा जेठी ननदवान दे मेरी। तो ऐसी कार्रवाई के लिए आप गई थाना या किसी से मिली, किसी अधिकारी से, पुलिस से? मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं आई, और रात को अपनी खाला कहाँ सोया सोई में, और सुबह को आने मैं दोबारा भी गई तो मेरे ससुर ने हाथ पकड़ के मुझे निकाल दिया। अच्छा हाँ, और मुझे धक्का मारा तो भुरका उतार के बैठ भी गई मैं, फिर दोबारा भुरका पहन के 2-3 घंटे में वहाँ पर खड़ी रही, फिर दोबारा भुरका पहन के जब आई मैं बाहर। अब आपके बच्चे कहाँ हैं दोनों? मेरे दोनों बच्चों को छेद लिया मैंने, दोनों बच्चों को छेद लिया। वही बरेली से भी पिछले 24 घंटे के भीतर 3 तलाक के 3 नए मामले सामने आए। पहले मामले में एक 26 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति मोहम्मद राशिद ने अपनी 17 साल की पत्नी चांद बीवी को 3 तलाक दिया था क्योंकि वो अनपढ़ थी और खाना पकाना नहीं जानती थी। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है, लेकिन राशिद अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने दोबारा 3 तलाक कहा। गौरतलब है कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों से ट्रिपल तलाक कानून पास हुआ है, जिसके बाद भी तलाक के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। 3 तलाक के इतने मामले सामने आने से एक बात तो साफ हो गई है कि अभी भी लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। अब जरूरत है नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। हमको सिरोली थाना क्षेत्र से एक महिला है, अभी एप्लीकेशन दी है, हमारा पति ने इसी से किया है और उसको हमने तुरंत थाना अध्यक्ष का आदेश किया है, FIR दर्ज करने के लिए नया कानून बनी है, उसका आधार अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे कानूनी कार्य करने के निर्देश दिए। वो तो उसको भी हम आदेश करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उसको भी आगे विचना करेंगे, आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्य करेंगे, उसका अनुसार। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।